एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेलीला क्लासेस। आई एम निवेदिता जयसवाल। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कंसीडरेशन। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बुक्स वगैरह में ये जो कंसीडरेशन के बारे में दिया हुआ है तो बहुत ही डिफिकल्ट दिया हुआ है, जैसे वचनदाता, वचन ग्रहीता, ये वो कर करके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दिया हुआ है, जो हम लोग जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता है। बट मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगी और ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मैम क्या समझा रही है, एंड आपको जिस प्रकार मुझे समझ में आता है उसी प्रकार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ जाएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कंसीडरेशन को क्या कहा जाता है। लैटिन लैंग्वेज में कंसीडरेशन को क्विड प्रो क्यो कहते हैं। अब मैं बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार, जो सेक्शन 2D के अनुसार, इसमें कहा गया है कि सपोज, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि कंसीडरेशन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वे में दिया हुआ है। आपको तो पता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, सबसे पहले मैं प्रोमिशर हूँ, ओके, एंड आप है प्रोमिसी। आपको एक जो एग्जाम्पल है उसमें आपको, जैसे मैं बता रही हूँ उसको आपको डूबना पड़ेगा तभी आप समझेंगे। आप पहले, सबसे पहले तो ईयरफोन लगा लें, क्योंकि विदाउट ईयरफोन आप समझ नहीं सकते हो, ओके। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं एक प्रोमिशर हूँ एंड आप हैं प्रोमिसी, ओके। तो मैं आपसे प्रोमिस करती हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे वीडियोज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी ऑल वीडियोस हैं उसको सिंपल वे में आपको मैं निर्विला क्लासेस के प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगी। निर्विला क्लासेस में मैं वन बाय वन अपलोड करूंगी, ओके। मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया। अब आप हैं प्रोमिसर, यानी कि आपको प्रॉमिस को एक्सेप्ट करना है एंड उसके बदले में आपको मुझे कुछ कंसिडरेशन देना है। जैसे कि मैंने आपसे तो प्रॉमिस कर दी, लेकिन इसके बदले में तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना, इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो इसके बदले में मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? ऐसा तो नहीं मांगूंगी कि आप मुझे पैसा पे करो, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आप मुझे कुछ दे दीजिए, सोना जैसे आपके हो जाते गोल्ड या कुछ भी, जैसे प्लैटिनम या कुछ भी, ऐसा तो कुछ नहीं मांग रही हूँ मैं। मैं आपसे यही मांगूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या हो गया? मैंने जो आपसे कहा तो उसका जो कंसीडरेशन मेरा हुआ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए एंड शेयर किए, ओके, एंड आपका जो कंसीडरेशन हुआ मेरा वीडियो हुआ। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ के बदले कुछ, यानी समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन रिटर्न, ओके, कि कुछ के बदले कुछ, यानी कि मैंने आपको कुछ दिया और आपने कुछ दिया, यानी कि मैंने आपको हम जितने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो वीडियोस थे उसको दिए एंड उसके बदले में आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर किया, ओके। यहाँ आपने समझ लिए, और लैटिन लैंग्वेज में तो आपको पता है कि क्विड प्रो क्यो कहते हैं। यहाँ तक आपने समझा। अब एक और एग्जाम्पल, मैं गई एक शॉप पे, शॉपकीपर से कहा कि भाई मुझे एक कोकोनट ऑयल दे दीजिए एंड एक शैम्पू दे दीजिए। तो उसने मुझे अपने शॉप से निकाल के कोकोनट ऑयल दिया एंड शैम्पू का डब्बा था उसने उसे दिया। तो मैं उसके बदले, वो व्यक्ति जो अपना शॉप लगा के बैठा है वो तो फ्री में नहीं लगाया है भाई, फ्री में तो मुझे देगा नहीं। तो उसके जो मैंने उससे जो लिया, जैसे शैम्पू लिया एंड जो कोकोनट ऑयल लिया, तो उसके बदले मुझे पैसा देना होगा, पैसा पे करना होगा। पैसा पे करूँगी तभी ना वो मुझे प्रोडक्ट देगा। तो मैंने क्या किया कि पैसा पे किया। जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही पे करेंगे, हो सकता है कि मेरी सब्जी की दुकान है, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ओके। हो सकता है कि मेरी सब्जी की दुकान है, मैंने बोली उससे, भाई शॉपकीपर भैया कि अंकल आप जो भी हो कि आप हमें, आपको मैं पैसा पे नहीं करने पाऊंगी, आप हमारे सब्जी की दुकान से एक किलो टमाटर एक किलो जो भी चीज़ है आप लेके जाना और पैसा को उसमें जो आपके जो भी 150-200 रुपये हुए हैं आप उसका, उसके बदले में आप सब्जी खरीद के लेके चले जाना। तो यहाँ क्या हुआ कि कंसीडरेशन में उसे सब्जी मिला, पैसा था तो पैसा भी दे सकते थे, बस कंसीडरेशन में उसे सब्जी मिला। एंड हमें कंसीडरेशन में क्या मिला? एक कोकोनट ऑयल मिला एंड एक हो गया आपको
आपके सैम को, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ के बदले कुछ, ओके। यहाँ आपने समझे, एक केस लॉ बताऊंगी आपको, ओके। क्योंकि आपको तो मैंने समझा दी सिंपल लैंग्वेज में, आपको जो डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं उस हिसाब से मैंने आपको कंसिडरेशन बता दी। अब यहाँ पर मैं एक केस बताऊंगी, यहाँ मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर केस है कि केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का केस में, गौरी मोहम्मद ने जो हावड़ा कोलकाता में टाउन हॉल निर्माण के लिए 100 रुपीज चंदा लिया। जरूरी नहीं है कि आप प्रतिफल के रूप में या कंसिडरेशन के रूप में आप कुछ भी पैसा ही पे करेंगे या कोई प्रोडक्ट ही पे करेंगे। हो सकता है जैसे कि जो गौरी मोहम्मद था वो टाउन हॉल के हावड़ा में, जो कोलकाता में टाउन हॉल का निर्माण चल रहा था, जैसे निर्माण कार्य के लिए सब जगह से चंदा इकट्ठा करते हैं। आपको तो पता होगा कि जैसे दुर्गा पूजा लगाया जाता है या कोलकाता में बहुत सारे ऐसे कोई चीज़ के निर्माण किए जाते हैं, बहुत सारे जगहों पर ऐसे कोई चीज़ के निर्माण किए जाते हैं जिसके लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। तो उसी प्रकार कोलकाता के टाउन हॉल के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, तो गौरी मोहम्मद ने 100 रुपया चंदा दिया। अब क्या हुआ कि 100 रुपया चंदा दिया, तो गौरी मोहम्मद ने सिर्फ चंदा थोड़ी दिया होगा कि 100 रुपये से थोड़ी टाउन हॉल का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी पब्लिक लोग थे वो भी बहुत सारे चंदा इकट्ठा किए, बहुत सारे चंदा दिया गया, 1-2 लाख रुपया हो गया। तो उनको जब 1-2 लाख रुपया हुआ, ओके, तो उनको कंसिडरेशन के रूप में क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन के रूप में उनको टाउन हॉल दिया जा रहा है। यानी जो कॉन्ट्रेक्टर्स लोग थे या जितने भी जो कॉन्ट्रेक्टर्स लोग थे, उन्होंने टाउन हॉल के निर्माण के लिए जितने भी 1-2 लाख रुपए जितने भी लोगों के चंदा इकट्ठा किया गया था, उसके द्वारा उन्होंने टाउन हॉल का निर्माण कराया गया हावड़ा में। तो यानी मोहम्मद गौरी ने जो चंदा दिया था उसके जो कंसिडरेशन के रूप में टाउन हॉल मिला, और आपको बता दूं मैं कि टाउन हॉल दिया गया, यहाँ पे ये केस था, ओके। और आपको कोई भी ऐसा नहीं कि आपको कोई भी फोर्स करके कोई भी चीज़ कराने की कोशिश कर रहा है, या चंदा दे रहे हो तो आपको फोर्स करके कोई भी चंदा देने के लिए कह रहा है, आप अपने मर्जी से दिए हो, तो उसके जो निर्माण होगा, उसका जो टाउन हॉल का निर्माण किया जाएगा, तो ये कंसिडरेशन के रूप में टाउन हॉल उसको मिला। यानी कि कुछ के बदले कुछ, उसने पैसा दिया तो पैसा के बदले में उसे टाउन हॉल का निर्माण मिला, यानी कंस्ट्रक्शन उसको टाउन हॉल का दिया गया, ओके। आज आपने समझे प्रतिफल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं एक्सपेक्ट टेंस ऑफ प्रपोजल के बारे में बताऊंगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।